क्या बात है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की बात है बेगम, सारे शहर में फिर से फसाद शुरू हो गए। क्या फसाद? हाँ, एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर रहा है, घरों से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, शैतानी कहकर फजाओं में फैल रहे हैं। कैसे जालिम है ये लोग, ये दूसरों के मां, क्या वो अपने मां बाप और बहन भाइयों के बारे में नहीं सोचते? अगर ये सोचते तो आज ऐसा कभी ना होता। आज इंसान इंसान नहीं हैवान कर गया है। आप घर से बाहर होते हैं तो मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। दफ्तर तो जाना ही होगा बेगम, तुम मेरी फिक्र ना किया करो, बस खुदा से दुआ करो कि उन सब पर रहम करे। भी हमारे पास वापस आएगी। उसकी कब्र का माप ले लो। क्या हुआ तुम? बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा है। क्या? मैंने देखा चार आदमी सफेद लिबास पहने इस कमरे में दाखिल होकर मेरे पलंग के मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और मेरी कब्र का नाप ले गए। ख्वाब ख्वाब होता है बेगम, इसका असर से कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, ये बड़ा ही खतरनाक ख्वाब है। बहुजूर के इंतकाल से एक दिन पहले अम्मी ने भी ऐसे ख्वाब देखा था। खुद को संभालो बेगम, तुम फिर से माँ बनने वाली हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इस सब इन मौजूदा हंगामों का असर, सो जाओ आराम से। नहीं नहीं, आप मेरे पास ही रहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हार क्या? कुछ नहीं बेटे, होगा क्या? लो पहनो। मेरा बेटा लाल कमीज पहनकर कितना अच्छा लग रहा है। अम्मी आप लाल कमीज क्यों नहीं पहन? लाल वो तो तुम जैसे गुड्डे पहनते हैं। नहीं आप भी पहने। अच्छा अच्छा, मैं भी पहनूंगी। अम्मी अबू कहाँ है? अबू अबू हाँ हाँ, दफ्तर गए हैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने, गुड़िया लाने। अम्मी मैं गुड़िया नहीं लूंगा, वो आपसे अच्छी नहीं होती। शुरू हो गए आप? सुनिए आप फौरन आ जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। इस वक्त तो निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ भी चारों तरफ हंगामे हो रहे हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं मौका पाते ही आ जाऊंगा। हेलो सुनिए, वो अकबर। हेलो Thank you.
सलमा, अकबर, बच्चे अच्छे हैं। रिश्तेदार को पता चला? जी नहीं। ठीक है, तलाश जारी रखें। तलाश क्या कम की है? वो कौन सी जगह है जहां हम नहीं गए? अगर उनकी लाश मिल जाती तो कम से कम हम उनकी तजहीज और तकफीन तो कर लेते। किसी बात का तो गम है मेरे दोस्त, वो मुझसे इस तरह जुदा हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर उसका ख्वाब हकीकत बन गया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता अहमद कि वो जिंदा नहीं। यूं लगता है जैसे वो अभी अभी आ जाएगी और मेरा नाम लेकर मुझे पुकारेगी। सलमा भाभी को तुम बहुत प्यार करते थे ना, यही वजह है कि तुम उसकी मौत को तस्लीम नहीं करते। कैसे मान लो अहमद, कैसे मान लो। हुसैन, मरना ही था तो मुझे क्यों ना मौत आ गई। अकबर को लेकर कहां होते जा रहे हैं हुसैन? सब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मैंने भी शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है, तुम भी मेरे साथ चलो। आपने जो पता दिया था वहां अब कोई भी नहीं है जी। सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। खूंखार दरिंदों ने मेरे सुहाग और मेरे अकबर को मुझसे छीन लिया है। क्या जमाना आ गया है, किसी का सुहाग, किसी का बाप भाई, किसी की माँ बहन और किसी के हंसते खेलते बच्चे इस हंगामे ने छीन लिए। न जाने कब तक ये खून की होली खेली जाएगी। मुझे देखो, मेरी बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। मैं उन्हें देखने आया था, लेकिन कौन जानता था मेरी उनसे ये मुलाकात आखिरी होगी। लेकिन मैं तो अपने दुखड़े ले बैठा। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं मालूम बाबा, मेरी कोई मंजिल नहीं। मैंने खुद को हालात के हाथों सौंप दिया है।
मेरा भी अब इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है। तुम्हारे साथ रहने से शायद मैं अपनी बेटी का गम भूल सकूं। लेकिन बाबा। बाबा कहा है तो बाप का फर्ज भी पूरा करने दो। मैं समझूंगा मेरी बेटी बेवा हो गई है, अब इन बच्चों को तुम्हारी ममता और मेरे कमजोर बाजुओं की जरूरत है। हम दोनों मिलकर इनका मुस्तकबिल संवारेंगे। अकबर का दिमागी तवाज़ुन देखता हूँ तो दिल डूबने लगता है। बरसों हो गए हैं, न हंसता है न बोलता है। मैं तो उसकी मुस्कुराहट को तरस गया हूँ अहमद। माँ की ममता और उसकी मोहब्बत ही अकबर को अच्छा कर सकती हैं। डॉक्टर भी यही कहता था, मेरी मानो और शादी कर लो। शादी? क्या कह रहे हो अहमद? अकबर को अपनी माँ की जरूरत है, सौतेली माँ की नहीं। नहीं नहीं बाबा, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ बेटी। करामत अच्छा आदमी है, वो तुम्हें हर तरह का आराम दे सकेगा। मेरे इरादों को कमजोर न कीजिए बाबा, मैं बच्चों की परवरिश करते जिंदगी गुजार देना चाहती हूँ। शादी के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। ठंडे दिल से सोचकर फैसला करो बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हें एक लंबी उम्र काटनी है। इस दुनिया की भूखी नजरों का कोई एतबार नहीं है बेटी। सबके अलावा कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, आज हूँ कल नहीं। ऐसा न कहिए बाबा, खुदा न करे कि मैं कभी आपके साए से महरूम हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लोग कहाँ थे मेरे बच्चों? हम लोग पेड़ के नीचे खेल रहे थे नाना जान। कुछ काम काज भी करोगे या खेलते ही रहोगे? हम क्या काम कर सकते हैं नाना जान? अनवर बेटा, तुम क्या काम कर सकते हो? आपकी तरह हल चला सकता हूँ, खेत में काम कर सकता हूँ। अच्छा, और मेरा बेटा असगर क्या काम करेगा? जलते सूरज के नीचे सोना फैलेंगे उजियारे। खुशियाँ बन कर जाग उठेंगे, खुशियाँ बन कर जाग उठेंगे, सोए भाग हमारे। भूल के दुनिया का हर गम, हर घर के सोने आंगन में प्यार के दीप जलाएंगे।
इन खेतों में लहराता है अपने प्यार का जादू। इस मिट्टी में रची हुई है माँ के दूध की खुशबू। इस मिट्टी में रची हुई है माँ के दूध की खुशबू। हमको इस मिट्टी की कसम, इस मिट्टी का जल्ला जल्ला हम गुलजार बनाएंगे। चंदे माथे का पसीना इस मिट्टी में बोए। हम अपने माथे का पसीना इस मिट्टी में बोए। हम खेतों की हरियाली में, हम खेतों की हरियाली में अपना दर्द समोए। हम खेतों की हरियाली में अपना दर्द समोए। मेहनत से घबराए ना हम, मेहनत अपनी रीति है प्यारे, हम ये मोटू। तू मुझे मोटू क्यों बोलता है? तू जो मुझे छोटू छोटू बोलती है, तुझे हजार बार बताया मेरा नाम असगर है, असगर। वाह रे वाह, बचपन से तो मैं तुझे इसी नाम से पुकारती हूँ। बचपन की बातें बचपन के साथ खत्म हो गई, अब मैं जवान हो गया हूँ, देखती नहीं? जवान हो गया है तो क्या हुआ, कोई लाज साहब तो नहीं हुआ? अरे जरा गौर से देख, शहजादा लगता हूँ शहजादा, तेरी तरह गंवार नहीं। मैं तेरे पास तेरी खैरियत पूछने आई थी, और तुम मुझे? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और तेरी खैरियत भी नेक चाहता हूँ। अब तू जा और अपना काम कर। अपना काम कर। असगर। माँ, माँ। असगर। माँ। असगर। मेरा बेटा। मेरी अच्छी माँ। अरे उल्लू, क्या कर रहा है? तेरे इम्तिहान का क्या हुआ? हाँ माँ, तेरी दुआओं से पास हो गया। पास हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र। अरे भाभी तुम कैसी? तुम पास हो गए, बड़ी खुशी की बात है। माँ वो भैया और नाना कहाँ हैं? खेत में काम कर रहे होंगे। तुम्हारे भैया के आते ही मिठाई मंगवा कर सारे गांव में बांटूंगी। पहले मुझे तो कुछ खाने को दो भाभी, बड़ी सख्त भूख लगी है। तुझे देखते ही तेरी भाभी तो जैसे खिल उठी है, तेरी भाभी तुझे बहुत चाहती है। अरे माँ ऐसी भाभी तो किस्मत मानो मिलती है। क्यों बात? अरे शरीर, अच्छा तेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई ना? बस माँ सिर्फ दो साल बाकी। दो साल बाकी? नहीं नहीं। क्यों माँ? सारी जमीन गिर रही है, दुल्हन के जेवर भी बिक चुके हैं, तेरी पढ़ाई का खर्चा अब कैसे पूरा होगा? दो साल की तो बात है माँ, हम किसी ना किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। दो साल मेरी तालीम भी खत्म हो जाएगी माँ, फिर मैं भाभी के लिए इतने जेवर खरीदूंगा कि भाभी उसका बोझ भी नहीं संभाल सके, और मैं जमीन भी बहुत सारी खरीद लूंगा। करने के लिए सिर्फ 300 रुपया चाहिए माँ। 300 रुपए तो बहुत बड़ी बात है मियाँ, मैं तो तुम्हें 300 पैसे भी नहीं दूंगा। हाँ अनवर मियाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं कहता हूँ रुपए दरख्तों पे तो नहीं लगते जो तोड़ा और दे दिया है जी। अरे चाचा अगर रुपए दरख्तों पे लटकते तो मैं खुद नहीं तोड़ लेता, तेरे पास काहे को आता? पर चाचा अभी मुझे रुपयों की बड़ी सख्त जरूरत है, अपना मुन्ना है ना उसका दाखला करवाना है। दाखला करवाना है तो मैं क्या करूं, मैंने कोई ठेका ले रखा है, जा अपना काम कर। दे दो ना चाचा। जी असगर जब पढ़ लेगा तो अंदर भैया तुम्हारे सारे रुपये लौटा देंगे। तू चुप रह लड़की, जा अंदर जा। बड़ी आई है सिफारिश करने वाली,
जाती है कि नहीं? जा अंदर जा। अनवर मियां, सोचने की बात है। रुपये मैं तुम्हारा चेहरा देखकर तो नहीं दे सकता। मकान और जमीन रहने कर पहले ही तुम बहुत कुछ ले चुके हो। अब तुम्हारे पास है ही क्या है जी? अरे मियां, जो रकम पहले ले चुके हो वो सूद के साथ वापस कर दो। अरे मियां, ये तो मेरी शराफत है कि मैं अभी तक खामोश हूं। दो चार दिनों में रकम वापस कर दो, वरना वो हमारी जमीन और मकान जब्त कर लेगा ना। हाँ। आप तो बेकार परेशान हो रहे हैं। जब तक शकीला जिंदा है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। क्या मतलब? ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, सारा गांव जानता है। करामत के पास जो कुछ है वो शकीला का बाप मरते वक्त छोड़ गया था। शकीला की मर्जी के बगैर वो जमीन कभी नहीं जब्त कर सकता। क्यों? क्योंकि शकीला मेरे असगर से मोहब्बत करती है। मैं तो आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, जान छिड़कती है उस पर। क्या ही अच्छा हो दोनों की शादी हो जाए, कितनी प्यारी लगेगी दोनों की जोड़ी। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? मैं अपने भाई को शहर भेजकर इसलिए लिखाई पढ़ाई करवा रहा हूँ कि एक कंजूस मक्खी चूस की भतीजी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। करामत अगर कंजूस है तो उसमें शकीला का क्या कसूर? मुझे तो वो लड़की बड़ी पसंद है। मैं तो दिल ही दिल में उसे इस घर की बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ। फैसला कर चुकी? अरे तू कौन होती है फैसला करने वाली? शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, कुछ उससे भी तो पूछ पाछ ले। उससे क्या पूछूं? मैं असगर को आपसे ज्यादा जानती हूँ। अरे वो मेरा भाई है, मेरा भाई। देख लेना, इस शादी वादी पर कभी राजी नहीं होगा। शकीला का नाम सुनते ही उछलना पड़ा तो मेरा भी नाम नहीं। नहीं भाभी, मैं शकीला से शादी नहीं करूंगा। क्यों? शकीला में किस चीज की कमी है? सूरत सीरत दौलत सभी कुछ तो है उसके पास, और फिर वो तुमसे प्यार भी तो करती है। यही तो मोहब्बत का अलमिया है भाभी। वो मुझे चाहती है लेकिन पा नहीं सकती, और मैं किसी को चाहता हूँ लेकिन उस तक पहुँच नहीं सकता। अरे तुम भी किसी से प्यार करते हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो? जो भी है तुम्हारे सामने किए देता हूँ भाभी। ये देखो। कितनी प्यारी शक्ल है, किसी बड़े बाप की बेटी मालूम होती है। बड़े बाप की बेटी हो या ना हो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ भाभी, अगर वो मुझे मिल गई तो मेरी जिंदगी फूल बनकर खिल उठेगी। तुम्हारे साथ पढ़ती है क्या? अपनी ऐसी किस्मत कहाँ भाभी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ रहती है, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। फिर ये तस्वीर? अखबार में शाया हुई थी, मुल्क की मशहूर गुलकारा है। जब उगाती है तो यूं महसूस होता है जैसे सारी कायनात झूम रही हो। अरे पगले, बगैर देखे बगैर मिले ही दीवाने हुए जा रहे हो। क्या पता वो शादी करने पर राजी भी होती है या नहीं। तुम ठीक कहती हो भाभी, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसकी तस्वीर देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे अपनी कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। क्या वो सचमुच तुम्हारे दिल में समा गई है? एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है, आँखों की राह से वो दिल में समा गई है। एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है, आँखों की राह से वो दिल में समा गई है। एक अजनबी हसीना दिल पर लिखा है मेरे,
उस शोख का फसाना जिससे मेरा तारुफ है सिर्फ गायबाना देखा नहीं है उसको और ना कभी मिला हूँ लगता है फिर भी जैसे बरसों से जानता हूँ एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है हुस्न के जहां में अपनी मिसाल होगी शायर की धड़कनों का रंगी ख्याल होगी उसकी हसी जबी पे किरणों का नूर होगा अपनी हर एक अदा पे उसको गुरूर होगा एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है जिसने किसी को ढूंढा मैं उस नजर के सदके जिसको खबर नहीं है उस बेखबर के सदके ये वक्त उसके दर पे ले जाएगा कभी तो बेचैन हसरतों को चैन आएगा कभी तो एक अजनबी हसीना आँखों को भा गई है आँखों की आए वो दिल में समा गई है ये मेरी भतीजी है ये सब राग रागनियां दिन और रात की मेहनत के बाद मैंने इसे सिखाई है मैंने अपने सीने में कोई राग नहीं रखा सिर्फ 500 या 600 रागनियां रह गई हैं वो मैं इसलिए नहीं सिखा सका कि मैं खुद भूल गया कहो भाई कैसा रहा फंक्शन देख लीजिए ऐसा रहा ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है हुलिया कुछ भी हो साहब मगर हमारा गाना बेहद पसंद किया गया आप कब से गाने लगे हम गाएं या हमारी भतीजी गाए बात तो एक ही है यानी हमारा गाना इस कदर पसंद किया गया कि कई हजार आदमी तो खिलखिला के रो रहे थे 4-6 आदमी बेहोश हो गए एक का तो हार्ट फेल हो गया भतीजी कंपटीशन में अव्वल आई है कम से कम इसे मुबारकबाद दीजिए चलिए मुबारक हो बेटी तुम्हारी इस कामयाबी से हम बहुत खुश हुए आखिर भतीजी किसकी है अकबर कहाँ है कहाँ होगा दिन रात कमरे में बंद खामोश पड़ा रहता है अगर वो इसी तरह कमरे में बंद पड़ा रहा तो एक दिन उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाएगा मेरा ख्याल है उसे कहीं बाहर ले जाना चाहिए आपने मेरे दिल की बात की मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो मसरूफ रहे दिन रात अपनी माँ को तलाश करता है हर वक्त हीरट लगा रखी है अम्मी अम्मी अब मैं उसकी माँ को कहाँ से लाऊं? क्या बात है बेटे? बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं अकबर बेटे तुम्हें मालूम है सारा म्यूजिक कॉम्पिटिशन में अव्वल आई कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे आप हमारे साथ चलेंगे ना मैं क्या कर रहा हूँ अरे भाई ठीक तो कह रही है
हर वक्त घर में घुसे बैठे रहते हो। अरे यहाँ से निकलो, किसी पहाड़ की चोटी पे बैठ के आइसक्रीम खाओ, किसी नदी नाले के किनारे बैठ के पिकनिक बनाओ, कुछ गाओ, कुछ नाचो। बेटे वो उसे क्या कहते हैं, उस हम तो इसे तौलिया डांस कहते हैं। अच्छा, हम लोग इसे तौलिया डांस कहते हैं। जरा कुछ समझाओ इस बेवकूफ को। Ha 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 ha
अरे भाई, हमारा भतीजा ही खो गया। भाई भतीजे, वहां सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तुम यहाँ कोने में बैठकर पकौड़े क्यों तल रहे हो? मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, खाना आया हुआ है, तुम ये दरख्त क्यों खा रहे हो? अंकल जल्दी कीजिए, मुझे फॉरेन टीवी स्टेशन आए, मेरा प्रोग्राम है। चलो भाई, सब मिलके प्रोग्राम करेंगे। चल भाई। मेरे ख्याल से अब तुम चांद पे ही जाके रुकोगी, रास्ते में तो कहीं रुकोगी। हम मोटर कार में बैठे हैं, कोई गधा गाड़ी में नहीं। किसी भी मोड़ पे जोर का धमाका होगा और यही गाड़ी किसी गधा गाड़ी से बंधी हुई खरामा खरामा चली जा रही होगी। स्पीड इज लाइफ अंकल, गति इसी का नाम है। देखो, मैंने कुछ दिन और जिंदा रहना है। आज वाकई आप बूढ़ों की तरह बातें कर रहे हैं। आप खामोश बैठे रहे और एंजॉय करें। खुदा का वास्ता, सामने देख के तो चलाओ। बेटा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ माँ? मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने बहुत सारा ताजा खून मेरे मुंह पर फेंक दिया हो। ये तुमने कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा है बेटी। आज से 20 साल पहले भी मैंने ऐसा ही भयानक ख्वाब देखा था। उसके दूसरे रोज ही शहर में फसाद शुरू हो गए। मैंने अनमर और असर के वालिद के साथ साथ अपने अकबर को भी खो दिया। मुझे बहुत खौफ आ रहा है बाबा, मुझे ऐसा ख्वाब फिर क्यों ना। ये सब खतरे से बहने ना डॉक्टर। मिस सायरा का तो कोई खतरा नहीं, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अकबर ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? जी हाँ, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? उनके सर में बहुत चोट आई, मुझे डर है कि कहीं उनके दिमाग पर बुरा असर न हो। क्या डॉक्टर? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस सायरा की कार एक ट्रक से टकरा गई, यही उन्हें बेहोशी आलम में फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। की गाड़ी में 3 अफराद और ही थे, वो भी अस्पताल में जेरे इलाज है। आखिरी खबरें आने तक सारा को होश नहीं आया था। इस लड़की में ऐसे इतने सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तुम दिन रात इस तस्वीर को देखते रहते हो। बड़ी आई, जाने कहां की शहजादी। तो इस वक्त यहां से चली जा शकीला, मैं बहुत परेशान। परेशान? परेशान क्यों हो, जरा मैं भी तो सुनो। उसकी कार ट्रक से टकरा गई और वो अस्पताल में बेहोश पड़ी। बेहोश ही पड़ी है ना, कोई मर तो नहीं गई। शकीला, तू जाती है कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है असगर? मैं शहर जा रहा हूँ बस। अचानक? सायरा कार के हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई है। सायरा? वही लड़की जिसकी मैंने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी। तुम वहां जाकर क्या करोगे? मैं तुम्हें कैसे बताऊं भाभी, सायरा मेरी जिंदगी बन चुकी है। अगर उससे कुछ हो गया तो मेरी दुनिया तारीख हो जाएगी भाभी। शायद मैं उसके लिए कुछ ना कर सकूं, मगर उसे एक बार करीब से देखे बगैर मुझे चैन ना सकता। मां, तुम्हारे भैया को अगर मालूम हो गया तो तुम कोई बहाना कर देना भाभी, कह देना मुझे। लेकिन अस्कर, क्या बात है बेटे, तुम कहीं? हाँ माँ, मैं शहर जा रहा हूँ दाखिले के सिलसिले में। लेकिन रुपयों को तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ बेटे। उसका कोई ना कोई इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा माँ। अबे, मुझसे कदाचली क्यों करा रहा है? छड़ी से छड़ी।
कुर्सी लगाई। खैर जान बची, टांग का क्या है, वो तो फिर भी ठीक हो जाए। एक टांग जरा रखना नहीं। हाँ क्या सोच रहे हैं सरकार? मैं कई साल से सोच रहा था कि कुदरत ने इंसान की एक टांग क्यों नहीं बनाई। अरे भाई एक टांग से भी तो चल सकता था, लेकिन कुदरत कुदरत है, उसने इंसान के स्पेयर पार्ट्स भी उसके साथ लगाकर भेजे, क्योंकि उसे मालूम है कि हर घराने में एक न एक स्पीड वाली लड़की मौजूद है। अफसोस ना करें सरकार। अफसोस टांग के टूटने का नहीं है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि अब हम खानदान के किसी मामले में टांग भी नहीं अड़ा सकते। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बीवी फसाद की नजर हो गई, बच्चा पागल हो गया, ये सब कुछ देखना मेरे नसीब में था बेटी। मैं वादा करती हूँ अब कभी भी गाड़ी देर नहीं चलाऊंगी। बुरी बात है बेटी, आंसू पोछ लो बेटी, हादसा हादसा होता है। मुझे सोने दो, मुझे आराम कर दो, मुझे नींद क्यों नहीं आती? इनके पास हर वक्त किसी का रहना जरूरी है, अगर किसी वक्त इनकी आंख खुल जाए तो आप इन्हें ये टेबलेट दे दीजिए। मैं अकबर का ख्याल रखूंगी डैडी। लेकिन तुम? हाँ डैडी, आज इनकी यह हालत मेरी वजह से हुई है, इनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। तुम्हारा फर्ज यह कि मेरा कर्ज बमे सूद के सीधे तरीके से मुझे लौटा दो, वरना वरना जमीन और मकान जब्त कर लूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो करामत, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। तुम अब बूढ़े हो चुके हो, किसी वक्त भी मर सकते हो। तुम अगर मर गए तो मेरा बहुत नुकसान होगा। अपनी जिंदगी में मेरे पैसे वापस कर दो, अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। तू इंसान नहीं हैवान है चाचा, जो हम जैसे गरीब किसानों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भरता है। तेरे पास हमदर्दी, इंसानियत, मोहब्बत कुछ भी नहीं चाचा। ओ हमदर्दी, मोहब्बत, इंसानियत। नादान लड़के, मैं पैसे के अलावा किसी चीज को नहीं जानता। अगर पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरे हवाले कर दे। जमीन मैं तेरे हवाले कभी नहीं करूंगा चाचा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये तुम्हें वक्त बताएगा। लचक ने रातों की नींदें हराम कर दी है, एक की टांग टूट गई, दूसरे का दिमाग खराब हो गया, पता नहीं इस खानदान पे और तीसरी मुसीबत कौन सी आने वाली है। तीसरी मुसीबत। तुम यहाँ क्या कर रही है? आहिस्ता बोलिए, वो सो रहे हैं, डॉक्टर ने रहने को कहा है। तुम्हें? जी हाँ। पागलों का इलाज करते करते हो सकता है डॉक्टर साहब के जहन पर भी कुछ असर हो गया हो, लेकिन तुम्हारी अकल को क्या हुआ? जी जी क्या? कमारी लड़की जवान लड़के के कमरे में, और वो भी रात के वक्त। लेकिन मैं तो उनकी देखभाल के लिए रुकी हूँ। अच्छी देखभाल है भाई, लेकिन बेटे बाज औकात मरीज की देखभाल करते करते बात शादी ब्याह तक पहुँच जाती है, ऐसा हुआ है। अंकल इस रिश्ते का तो मुझे कई साल से पता है, लेकिन तुम जाओ, मैं यहाँ रहूंगा। आप तो खुद पागल हो गए हैं। अरे टांग टूटी है, अकल अपनी जगह पे, मैं इसकी देखभाल खुद कर लूंगा, तुम
तुम जाओ, आराम करो, चल चल चल। लेकिन अंकल। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, चल चल। उसके लिए जागता रहा, अब जरा सी आंख लगी थी तो तुमने आके जगा दिया। जाओ देखो मसेरी के नीचे लेटा होगा। यहाँ तो कोई नहीं। बाथरूम में होगा। जी नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों अपनी मौत को दावत देता है? करामत, तुम बरसों से किसानों की गुर्बत से फायदा उठाकर उन पर जुल्म करते रहे, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बंद कर दो उसकी जबान। चाचा ये जुल्म है, चाचा ये जुल्म है। तुमने जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब उनका क्या होगा? और वो जब बरसों से मेरी रकम हजम कर बैठे थे, उनसे कुछ नहीं कहा है जी? अल्लाह कर दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी दौलत लेकर तुम क्या करोगे? मेरे पास जो कुछ है सब गांव वालों में बांट दूं, यही चाहती है ना तू? मैं तो चाहती हूँ कि तुम गांव वालों का खून ना बहाओ, उन पर जुल्म ना करो, लोगों को घर से बेघर ना करो, खुदा का खौफ करो और हराम की कमाई बंद कर दो। बंद कर दूं? अगर सूद से कमाई हुई दौलत मेरे पास ना होती तो गांव वालों का क्या होता? गांव तरक्की करता, फसल उगती, भूखे मर जाते ये लोग, ये गांव वीरान हो जाता है जी। सारा गांव तुमसे नफरत करता है और मुझसे भी कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। आज नहीं करता है तो ना करे, लेकिन कल जब जरूरत उनके दरवाजे खटखटाएगी तो वो तेरे पास न सिर्फ बातें करने के लिए आएंगे बल्कि मिन्नतें करेंगे, समाजतें करेंगे, फरियाद करेंगे, आंसू बहाएंगे और मैं उनके सामने खड़े होकर कह-कहे लगाऊंगा, कह-कहे लगाऊंगा। मैं नहीं जानती थी तुम इतने संतिल होगे। खुदा के लिए अनवर भैया की जमीन वापस कर दो चाचा। बाबा ये आपकी क्या हालत हो गई है? मैं तो ख्वाब देखते ही समझ गई थी कि कोई आफत आने वाली है। जमीन ही एक सहारा थी, वो भी छीन ली। खुदा जाने आने वाले दिन कैसे कटेंगे। मैं जमीन वापस लेकर आऊंगा माँ। ये कैसे मुमकिन है बेटा, हमारे पास अब रहा ही क्या है? जिस तरह माँ अपनी छाती से दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालती है, ये जमीन भी उसी तरह अपने सीना चीर कर हमें दो वक्त की रोटी खिलाती है। ये जमीन भी तेरी तरह हमारी माँ है माँ। मैं शहर जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं जमीन वापस लेकर आऊंगा माँ, मैं जमीन वापस लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, गांव ही में कुछ करने की सोचो, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। पागल था तो क्या हुआ, हर वक्त मेरी नजरों के सामने तो था। घबराने की कोई बात नहीं, खुदा ने चाहा तो अकबर बहुत जल्द मिल जाएगा। यकीन नहीं आता है मैं, रोज कोई ना कोई नई आफत आती ही रहती है। आप फिक्र न कीजिए भाई,
अकबर को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। आप स्टेशन गए थे अंकल? स्टेशन के अलावा बेटे, मैंने हर पुलिस स्टेशन पे अकबर की एक एक तस्वीर भी दे दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। हेलो हेलो, कौन साहब है भाई? आहिस्ता नहीं बोल सकते क्या? अभी चश्मा टूट जाता जी। क्या ये उपेंद्र साहब का घर है? हाँ जी, हम उन्हीं के मकान से बोल रहे हैं। कि उनके मकान से नहीं बोल सकते? हम तो बोलेंगे। आप कौन बोल रहे हैं जी? पुलिस ऑफिसर। ओह, सॉरी सॉरी जी, फरमाइए जनाब। अकबर साहब हमारे पास हैं, आप आकर उन्हें ले जाइए। पकड़ा गया बाजी, मैं खुदा के बच्चा जी। वो मैं सुनिए, हाँ बस आप उसे रखिए बंद करके, मैं आया अभी। पकड़ा गया बदमाश। मैंने कहा था ना जाएगा। कहा क्या अकबर मिल गए? मिलेगा कैसे नहीं, अरे मेरी नजरों से बच के कहीं जा सकता है। कहाँ है वो? है थाने। सायरा बेटी, तुम अपने चचा का ख्याल रखना, हम अकबर को लेकर फौरन आते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को थाने में लेके क्यों जाए? जरूरी है, आइए डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आखिर आपने मुझे किस जुर्म में पकड़ रखा है? मैंने किया क्या है? मुझे जाने दीजिए। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, वो लोग आपको लेने आते ही होंगे। कौन लोग? आपके रिश्तेदार। जी, मेरे रिश्तेदार? मगर मेरे रिश्तेदार तो यहाँ कोई नहीं है। आप घर से भाग क्यों गए थे? जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे भागने की क्या जरूरत है, मैं तो सबको बताकर आया हूँ। अरे बेटा, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश किया, हवाई अड्डों से लेके टांगों के अड्डों तक तुम्हें देखा, हर अच्छे और बुरे महल्ले में तुम्हें तलाश किया, लेकिन मिले हो तो थाने में। भाई वाह वाह, जब से तुम भागे हो तुम्हारा बाप ऐसा बिस्तर पे लेटा है कि अभी तक नहीं आता। मेरे वालिद? मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका है। बहुत बुरी बात है बेटे, अपने जिंदा बाप को कब्र में भेज रहे हो। अगर इसी तरह जल्दी जल्दी तुमने घर वालों को भेजना शुरू किया तो एक दिन अपने चाचा को भी भेज दोगे। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ भैया और भाभी गांव में परेशान होंगे। आप कौन है? मैं इनको नहीं जानता। वो आपको पहचानता भी नहीं? मैं हूँ तुम्हारा चाचा। अपने चाचा को भी नहीं पहचानते बेटे अकबर? अकबर? मेरा नाम अकबर नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो अपना नाम भी भूल गया। इनसे ज्यादा बातें ना कीजिए, वो यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे। आप तो जानते हैं कि ये पागल हो चुके हैं। हाँ हाँ जी, मुझे पता है, आप मुझे क्या समझा रहे हैं। वैसे हमारे खानदान का ये पहला केस है। चलो बेटे, हमारे साथ चलो। कहाँ? चलो अपने घर चलो। घर? यहाँ तो मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर तो गाँव में है, मैं गाँव जाऊंगा। शाबाश है, घर गाँव में चला गया, बहुत दूर लेके गया भाई। चलो मैं गांव भी ले चलूंगा। अरे मैं चलाऊंगा, आपकी जरूरत नहीं। चलो ना। अरे छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर साहब, एक दो पुलिस वाले बच्चे के लिए इनायत फरमाइएगा ना, बुरा ना मानो। छोड़िए मुझे, ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे घर जाने दीजिए। अरे छोड़िए मुझे, एक बार तो तुम मुझे क्षमा दे, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कुछ भी बात उसने कुछ समझाइए, ये कहाँ ले आए मुझे आप लोग? क्या मुसीबत? मुसीबत? मुसीबत तो हमें पड़ी थी जो हम तुम्हें शहर शहर और गाँव गाँव घूमते रहे। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाना। चलो मुझे सारा तो चल, चलो कुछ बता। अरे ठीक है, चलो वरना मैं गिर जाऊंगा। अकबर आ गया। आप लेटे रहे चपेजन, डॉक्टर ने उठने को मना किया है, मैं देखती हूँ। मुझे बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर ले आए? अरे थोड़ी मुझे जाने दीजिए। अरे मैं बीमार बीमार नहीं हूँ, ये इंजेक्शन इंजेक्शन मुझे क्यों देना चाहते? बेटे इस वक्त यही इंजेक्शन लगवा लो, अगर पसंद नहीं आएगा तो दूसरा और लगवा देंगे। लेट जाओ बेटे। लेट जाऊं? आखिर क्यों लेट जाऊं? आपने किसी तरह लेटा दें, इंजेक्शन देते ही नींद आ जाएगी। अरे आप डॉक्टर हैं, आप उसे पहले लेटने का इंजेक्शन दीजिए। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए मुझे, क्या आपका खराब है मुझे?
जाइए ना। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन दीजिए। सायरा है ना? जी हाँ। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, क्या आप वाकई सायरा है? जी। वही जिनकी आवाज में जादू भरा है? जी हाँ। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। क्यों, मेरी सूरत बदल गई है क्या? लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। कैसे यकीन दिलाओ, बोलिए। तो फिर मुझे वो गाना सुनाइए। कौन सा गाना? वही जिंदगी कितनी हंसी है। ठीक है, सुनाऊंगी। पहले आप नाश्ता कर ले। नहीं, मैं पहले गाना सुनूंगा। वाह भतीजी, अच्छी सुनाई है दीवाने को।
अगर रोज इसी तरह सुबह सुबह अस्पतालों में जाकर गा दिया करो तो बहुत से मरीजों का भला होगा जी। काफी फर्क पड़ा। अब हम तुम्हें पहाड़ पर ले जाएंगे, फिर थोड़ा और पलक पल जाएगा। गुडू गुडू गुडू। पहाड़ पर? आप जाएं, मैं क्यों जाऊंगा पहाड़ पर? हम सब लोग जाएंगे। आप भी जाएंगी? लेकिन लेकिन क्या? चलिए ना। वाह वाह वाह, मर्द अगर मर्द को दरख्वास्त दे तो वो उसे फाड़ कर रत्ती की टोकरी में फेंकते हैं, और औरत की जबान पागल भी समझते हैं। तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो जा बेटे, मगर पहुंचते ही अपनी खैरियत का खत लिख देना, बेचैन माँ के दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं जरूर लिखूंगा माँ, अब मैं चलता हूँ। खुदा खुदा हाफिज़ बेटे, खुदा खुदा हाफिज़ जीना। खुदा दवा नहीं पीऊंगा, दवा पीने से मेरा सर चकरा। सब ठीक हो जाएगा, अब पी लीजिए ना, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। वहीं जहां कल गए थे। आइए हम लोग जहां बैठे। कितना हसीन मंजर है, देखिए देखिए वो पहाड़ कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, देखिए ना। देख तो रहा हूं। कहां देख रहे हैं? जहां कायनात की सारी खूबसूरती से बढ़कर एक जगह हो गई है। जी जी चाहता है आप हमेशा इसी तरह बैठी रहें और मैं देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं। क्या देखते रहे? कुदरत का हसीन शाहकार। चलिए हम उस नीली झील की तरफ चलते हैं। वो नीली झील तो आपकी आंखों में समाई हुई है, जी चाहता है आंखों में हमेशा के लिए खो जाऊं। अब घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। जी चाहता है इस सालिम वक्त पर गला दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर दूं। क्यों? ताकि आपके हुस्न व शबाब पर कभी खिजा ना आए, आप में शबनम की सी ठंडक भी है और शोले की तपिश भी। जी चाहता है आपके हुस्न की आग में खुद को जलाकर खाक कर दूं। ये आज आपको क्या हो गया है, क्या पागलपन है? तुम कुछ भी कहो मुझको, मैं प्यार का मारा हूँ, दीवाना हूँ मैं लेकिन दीवाना तुम्हारा हूँ। अफसाने मोहब्बत हर किस बयान न होता, अफसाने मोहब्बत हर किस बयान न होता, या तुम हसीना होते या मैं जवाना होता, अफसाने मोहब्बत हर किस बयान न होता। है तुम्हारा दिल तुम पे आ गया है, दिल ही
है बेचारा, तुम हो करीब मेरा नसीब क्यों मेहरबान न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयान न होता, या तुम हसी न होते या मैं जवान न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयान न होता। दिल में सुकून न होता, लब पर हंसी न होती, मिलते न तुम तो शायद ये जिंदगी न होती, यूं शाद आज आबाद मेरे दिल का जहां न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयां न होता, या तुम हंसी न होते या मैं जवां न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयां न होता। ये दिल नशीन नज़ारे यूं मुस्कुरा रहे हैं, ये दिल नशीन नज़ारे यूं मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मेरी खुशी पर खुशियाँ मना रहे हैं, है एतबार मिलता न प्यार तो ये समा न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयां न होता, या तुम हसी न होते या मैं जवां न होता, अफसाने मोहब्बत हरगिज बयां न होता। जादू कर दिया है कि वो लड़का जो कल तक बात नहीं कर पाता था आज अफसाना सुर में गा रहा है। बाबा पागल कहीं का। फिर वही पागल? आपने फिर मुझे पागल कहा? आइंदा आपने मुझे पागल वागल कहा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा भाई पागल तो हम हैं, वो तो ऐसे ही एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग में जरा खराश सी आ गई थी। हैं जी एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? लो फिर शुरू हो गया, अब सारी रिश्तेदारियां एक सेकंड में खत्म करके एक तरफ रख देगा। बेटी तुम्हें इसे संभालो। अंकल मालूम होता है आपको बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी वर्दी की हम फिक्र नहीं करते हैं, अलबत्ता ये कपकपी पीछा नहीं छोड़ती है। बाय बाय अंकल। चलिए अब हम लोग भी वापस चले। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आपने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। कौन सी बात का? वो वही, वो आप मुझसे मोहब्बत करती हैं या नहीं, जवाब दीजिए। दूंगी। तो दीजिए। बाद में दूंगी, अब चलिए। अभी दीजिए। कह तो रही हूँ दूंगी, चलिए ना। कब दीजिएगा? कल। कल आपने कहा था कि आज मेरी बात का जवाब देंगी, बस अभी दीजिए। नहीं अभी नहीं, आपके सोने का वक्त हो गया है, इस वक्त चुप से अच्छे गुड्डे की तरह आप सो जाइए। नहीं मैं नहीं सोऊंगा, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं कभी नहीं सोऊंगा, मैं यहां रहूंगा नहीं, मैं गांव चला जाऊंगा। जवाब दीजिए ना। ठीक है वादा करती हूँ कल जवाब दूंगी। कल 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 करते करते आपने कितने कल गुजारे, लेकिन आज कोई कल नहीं चलेगा। अगर आज आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूं। आप पूरी तरह अच्छे हो जाएं, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगी। नहीं 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 मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको अभी और इसी वक्त मेरी बात का जवाब देना होगा। किस बात का जवाब दूं?
जी वही वही आप मुझे मोहब्बत करती हैं कि नहीं? जवाब देने का इरादा तो नहीं था, लेकिन लेकिन क्या? सायरा जानती हूँ माँ तुम्हें देखते ही अपने सीने से लगा लेंगी, भाभी तो खुशी से नाचने लगेंगी, नाना बड़े प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेरेंगे और भैया भैया की खुशी का तो ना पूछो। आज आज मुझे मोहब्बत मिल गई है सायरा, आज मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अरे असगर तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ रोते रोते परेशान है बेचारी। अरे बाप रे बाप, ये तो पागल हो गया है। अनवर 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 कहाँ है? अनवर घर पे नहीं है, शहर गया हुआ है। क्यों, क्या हुआ? वो असगर है ना, असगर। असगर क्या हुआ असगर को? एक दरख्त के नीचे बैठा है, वो तो पागल हो गया है। हाय ला, ये क्या कह रहा है? वो इतनी बड़ी ईंट लेकर ना मुझे मारने लगा था, मैं वहां से भाग आया। लेकिन कहाँ है वो? वो रास्ते के किनारे एक दरख्त है ना, उसी के नीचे। मेरे अल्लाह, और कितने दुख दोगे मुझे। रो मत बेटी,
मैं अभी जाकर देखता हूं। अरे यही तो था। यही था तो गया कहां? वो रहा असगर। असगर बेटे, असगर मुझे पहचाने बोले नाना हूं। असगर, असगर बेटे। शहर में इस पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं कल सुबह फजर की नमाज के बाद फिर आऊंगा। ये दम किया हुआ पानी इसको दिन में 3 मर्तबा पिलाती रहना। मेरा असगर ठीक तो हो जाएगा ना बाबा? खुदा की जात पर भरोसा रखो बेटी, इंशाल्लाह जरूर अच्छा हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। असगर बेटे आंखें खोलो बेटे, तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? असगर आंखें खोलो असगर। मेरे अल्लाह मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है मालिक। सब्र कीजिए खाला जान, मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा परवरदिगार। सब्र करो सलमा बेटी, सब्र करो। आखिर कितना सब्र करूं बाबा, सब्र की भी कोई हद होती है। असगर बेटे आंखें खोलो असगर बेटे। बेटा बेटे इधर देख, बेटे इधर देख, मेरी तरफ देख, मैं तेरी माँ हूँ। बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा, बोलो। अम्मी, असगर बेटे तू अपनी माँ को कहाँ ढूंढ रहा है? मुझे पहचान, मैं हूँ तेरी अम्मी, मेरी तरफ देख, मैं हूँ तेरी माँ। माँ तू मेरी बिल्कुल फिक्र न कर, मैं इधर बड़ा अच्छा हूँ। और लिख दिया? और माँ को सलाम लिख। लिख दिया और क्या लिखूं? और तू भी तो कुछ लिखना यार, तू कैसा खत लिखने वाला है? सब कुछ मैं लिखाए जा रहा हूँ। खत तेरा है भले आदमी, तू लिखवा। तू नाना को सलाम लिख, लिख लिख। मैंने इधर फरूट का धंधा शुरू कर दिया है, बड़ा अच्छा धंधा है, मैं 2-4 पैसा कमा भी लेता हूँ। ठीक से लिख। जरा सोचने दे। इसके बाद जीनत को लिख, लिख माँ की 24 घंटा देखभाल करे। हाँ नहीं मैं नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा खा लो असगर। कह तो दिया मैं नहीं खाऊंगा। खड़ी क्यों, जाती क्यों नहीं? क्या माँ आज खाना फिर नहीं खा रहा? क्यों बेटे खाना नहीं खाओगे? नहीं खाला जान, जरूर खाएगा। लो खा लो असगर। मुझे भूख नहीं है। माँ के हाथ से खाएगा ना है। असगर अब कैसा है दुल्हन? जी पहले से कुछ अच्छा है नाना। अच्छा क्यों नहीं होगा, माँ के प्यार और उसकी ममता में बड़ी ताकत होती है बेटी। देख लेना अब वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। तुम अभी तक सोए नहीं बेटा, क्या बात है?
नहीं आ रही। अभी आ जाएगी। माँ अपने बच्चों को सुलाना चाहे और नींद ना आए, ये कभी हो सकता है? इधर आ, देख अभी तुझे कितनी अच्छी नींद आ जाती है। अनवर का खत आया है बेटी, वो खैरियत से है और अब तो चार पैसे भी कमाने लगा है। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने मेरी दुआएं सुन ली। खुदा उसे उसके मकसद में कामयाब करे। उसे लिख दीजिए बाबा, असगर आ गया है, हो सके तो आकर अपने भाई को देख ले। किस सोच में पड़ गए हैं बाबा? सोच कि मैं उसे खत कहाँ लिखूं? क्यों? उसने खत में अपने पता नहीं लिखा। पता नहीं लिखा? हो सकता है वो अपने लिए किसी मुस्तकिल जगह का इंतजाम ना कर सका हो। अरे बेटी तू कहाँ चली? अस्कर को बाहर नहीं ले जाओ? जरूर ले जाऊं, उठा ले जा। आज मैं नदी में नहाऊंगा। आज नहीं। क्यों, तुम नहाओगी? क्या कहा? बहुत अच्छी। तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। वो मोहब्बत करते हो? कह तो दिया। प्यार
आपने भी तो बहुत दुआएं मांगी हैं। माँ की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, और फिर शकीला ने भी उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश की है। अब मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। क्यों? शहर के लोग अच्छे नहीं होते, वो लोग जादू कर देते हैं। शहर यहाँ से कितनी दूर है शकीला? क्यों, तुम फिर शहर जाओगे? नहीं नहीं, मैं शहर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता शकीला। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता असगर। ये तुम लोग सब मुझे असगर असगर क्यों कहते हो? जानती नहीं मेरा नाम क्या है? जानती हूँ, तुम्हारा नाम छोटू है। छोटू? छोटू नहीं नहीं, मेरा नाम तो हाँ हाँ छोटू 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 छोटू। मुझे उम्मीद न थी कि अकबर इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। आपने जिस मेहनत से अकबर का इलाज किया है डॉक्टर साहब, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। सारा बेटी ने भी बड़ी खिदमत की है, और तुमने भी अकबर का बहुत ख्याल रखा है हमें, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो हुसैन? मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। सायरा बेटी कहाँ है? अकबर अभी सोया नहीं होगा। तुम तो जानते हो, जब तक अकबर को नींद नहीं आती, सारा उसके पास बैठी रहती है। अच्छा, मैं उसे देखाऊं। रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने तुम्हें अकबर की खिदमत करने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि वो तुम्हारी वजह से हादसे का शिकार हुआ, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अपना मुस्तकबिल उसके साथ वाबस्ता करो। मुझे तुम्हारे उससे मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। मेरा कसूर क्या है डैडी? कसूर नहीं तो क्या? किसी से मोहब्बत करना क्या जुर्म है डैडी? मोहब्बत करना जुर्म नहीं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम एक पागल से मोहब्बत करो। अब वो अच्छा चला है। लेकिन वो फिर पागल हो सकता है।
मैं फिर उसे अच्छा कर लूंगी। पागल के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है क्या? तुम्हें नहीं मालूम कि पागलों के साथ कोई खुश नहीं रह सकता? सुना है सिर्फ पागल ही जिंदगी में खुश रहते हैं डैडी। सायरा, मेरे मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। लेकिन तेरे मुस्तकबिल का मालिक मैं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपने मुस्तकबिल का मालिक नहीं मानती। मत भूल शकीला कि मैं तेरा बच्चा हूँ। क्या तुझे मालूम नहीं मरते वक्त भाईजान तेरी तमाम जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे? मरते वक्त उन्होंने तुमसे ये भी तो कहा था कि शकीला की खुशी का ख्याल रखना, उसे इस किस्म की तकलीफ ना देना, और जब वो जवान हो जाए तो उसकी सारी दौलत और जायदाद उसके हवाले कर देना। लेकिन तुम्हें उनकी ये बातें याद नहीं? बचपन से आज तक तुमने मुझे दुख दिए हैं, पहरे लगा दिए मेरी खुशियों पर। क्या मेरे बाप ने यही चाहा था? तू समझती क्यों नहीं शकीला, मैं तो तेरी खुशी चाहता हूँ। मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं असगर के साथ ही खुश रह सकती हूँ। तू अपने आप को धोखा दे रही है। तू अच्छी तरह जानती है तुझे देने के लिए उसके पास एक दमड़ी भी नहीं, एक मकान था वो भी मेरे पास रहना है। कान खोल कर सुन लो शकीला, तू अगर वहां गई मैं उन लोगों को घर से निकलवा दूंगा, गांव से निकलवा दूंगा, समझी? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। करामत की बातें पत्थर की लकीर होती है, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये आपका फैसला है डैडी, मेरा नहीं। तुम्हारा फैसला ये है कि तुम उससे शादी करोगी ना? मैं जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देख चुका हूँ बेटी। तुम जवान हो और तुम्हारे जज्बात तुम्हें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरी अक्ल तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। डैडी, सब देखते हुए सब जानते हुए अपने हाथों से तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। अब ये तबाही मेरी जिंदगी बन चुकी है डैडी। सायरा, मैं तुम्हें तुम्हारी मरहूम माँ की कसम देता हूँ तुम इससे बाज आ जाओ। डैडी, नहीं, क्या बात है अमन, सारा बेटी को क्यों डांट रहे हो? जाओ बेटी, तुम्हें अकबर याद कर रहा है। तुमने तो उसकी ऐसी आदत खराब की है कि तुम्हारे बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अब सायरा अकबर के पास नहीं जाएगी। क्यों? दोनों जवान कोई गलत कदम उठा सकते हैं। हम उन्हें गलत कदम उठाने ही क्यों देंगे? अहमद, तुमने आज तक मुझे बहुत एहसान किए, आज एक और सही। मैं खुद सोच रहा था, लेकिन अब तुमने बात छेड़ ही दी है तो मैंने सोचा कह ही दूं। क्या? यही कि मैं सारा को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। तुम तो जानते ही हो वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अकबर अगर पागल ना होता तो मैं ये रिश्ता बड़ी खुशी से कबूल कर लेता। अहमद, जब मेरी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी, अगर उस वक्त तुम कम का एक और रिश्ता भी मेरे दिल में चुभो देते तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन अब जबकि हालात, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी चाहत ने जिंदगी में मुस्कुराहटें बखेरती हैं, मुझे हंसना सिखा दिया है, क्या तुम चाहते हो मेरी आंखों से फिर वही आंसू निकले जिन्हें मैं भूल चुका था? जज्बात से नहीं, अकल से काम लो हुसैन। अगर मेरा बेटा पागल होता तो क्या तुम अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ कर देते? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है हुसैन, आज मैं तुमसे एक गुजारिश करूंगा, सायरा का ख्याल दिल से निकाल दो। सारा नहीं आई? नहीं। क्यों? तुम नाश्ता करो, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। आप कौन होते हैं जो मैं आपके साथ खाऊं? सायरा,
गई हूँ सारा। क्या हुआ तुम्हें? आप अपने कमरे में जाइए, किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? आप जाइए ना। नहीं मैं नहीं जाऊं। क्यों जाऊं? क्या मैं किसी से डरता हूं? मैं तुमसे माफ़त करता हूं सारा, यकीन जानो इस तरह कभी किसी ने किसी से माफ़त नहीं की होगी। मैं सच कह रहा हूं सारा। अब मुझे भूल जाए। ये तुम क्या कह रही हो? अब मुझे भूल जाए। ये तुम क्या कह रही हो सारा? ऐसा ना कहो सारा, मैं घर तुम्हारे जिंदा नहीं सकता। नहीं, आप जरूर जिंदा रहे। नहीं सारा नहीं। क्या तुम बगैर सांस लिए के जिंदा रह सकती हो? तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो कि मैं बगैर तुम्हारे जिंदा रहता? मुझे जीने दो सारा, मुझे जीने दो। मैं तो खुद मर चुकी हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सारा। हम जिंदा रहना चाहते हैं और हम जिंदा रहेंगे। मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ सारा। अगर तुम अपने हालात की दासी बन गई हो तो मुझे भी अपने जज्बात की बंदगी करने दो। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम मेरे चेहरे पर खून के चंद कतरे देखकर घबरा गई, लेकिन मेरे दिल से जो लहू टपक रहा है उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। तुम सचमुच पागल हो। हाँ, तुम्हारे लिए। चलो हम यहीं और चले, यहाँ से दूर, बहुत दूर, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई ना हो। सायरा, मैं तो नहीं लेकर आएगा। कौन जानता है कि वजन भी है कि नहीं? करामत, निकल जा तू यहाँ से। बेरहम इंसान, पहले तुमने जमीन छीन कर हमारे पेट पर लात मारी और अब घर से निकाल रहा है। न जाने कितने गरीबों की आरजुओं का गला घोंट कर तुमने दौलत जमा की है। खुदा ने चाहा तो तेरी ये दौलत तेरे कभी। मेरा अनवर यहाँ होता तो तुझे कभी जिंदा ना छोड़ता, तुझे कभी जिंदा ना छोड़ता। हमें एक कमरा चाहिए, एक अच्छा सा कमरा जहाँ से हम बाहर की हर चीज देख सके। हरी छाल के केले माल्टे दो दो आने, दो दो आने, दो दो आने ले लो माल्टे। भाई 125 रुपए दर्जन तो बहुत महंगे हैं ये माल्टे। अरे भैया ये माल्टे तो 1.5 रुपया दर्जन भी नहीं मिलेंगे, बड़े रसीले माल्टे हैं ये, ले लो सस्ते। भैया लेना है ले लो, तुम्हारे लिए 1.96 रुपए, उससे कम नहीं हो। आखिर आप लोग मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए? मैंने किया क्या है? मेरा जुर्म क्या है? ये क्या मजाक?
ये मजाक नहीं हकीकत है, इसे बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? मैंने किया क्या है? हेलो, हाँ हाँ, मुझे पकड़ा गया है। मैंने अभी अभी उसे हवालात में बंद कर दिया है। हैं? क्या कहा तुमने? भी उसे पकड़ लिया? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे भाई वो तो मेरे पास है, शक्ल मिलती है। अरे भाई मैंने भी तो देखा है कि उसकी शक्ल मिलती है। ओहो, अच्छा भाई उसे भी भेज दो। फोन करने के बाद फल वाले का भेष बदल कर ये समझ रहा था कि भाग निकलेगा। इंस्पेक्टर साहब हमने इसे पकड़ लिया। हजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हजूर। हजूर मैं उधर फरूट बेचता था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोलता हूँ हजूर, मैंने कुछ नहीं किया जी, जबरदस्ती मुझे लेकर आए हजूर। इसे भी बंद कर दो। हुजूर यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया हुजूर। मैं ले जाओ इसे, मैं खुद ही चला जाता हूँ। हवालदार साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तो फ्रूट बेचता हूँ। हवालदार साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए जी। अरे सुनिए, अजगर भैया तुम शहर कब आए? भैया मैं तो तुझे ढूंढने आया हूँ शहर में। माँ कैसी है? भाभी और नाना तो अच्छे हैं ना? अच्छे हैं, मगर भैया तुम यहाँ कैसे आए? बस कुछ ना पूछ, लोग मुझे जबरदस्ती थाने पकड़ कर ले आए। अजीब हैं तेरे शहर वाले। मगर तू यहाँ कैसे आए? किसी से लड़ाई तो नहीं की? नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, यकीन जानो मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे यूं ही पकड़ ले आए। एक गिलास पानी लाओ। तेरी तरह है भैया, इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है। अरे नहीं तू गलत बोल रहा है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुझसे मिलती है। भैया देखो देखो देख रहा है। हाँ आप कौन है? मुझे एडवोकेट हुसैन कहते हैं। आपने मेरी लड़की को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? आपका लड़का? जी मेरा लड़का। आपका लड़का है या लड़के है? और कितने हैं? मेरा तो एक ही लड़का है। एक ही लड़का है? और वो कौन सा लड़का है? फिर आप ही पहचान कर चल लीजिए। आ गई, ये है मेरे बड़े भैया। मैंने तुमसे कहा था ना ये मुझे गांव से ढूंढने आए।
कथिल साहब, हम गरीब आदमी हैं जी, हमें इस थाने से निकालिए ना। वकील साहब, अल्लाह आपका भला करेगा, हम बिल्कुल बेखुजूर हैं जी। कौन हो तुम? वो जी, हम गांव के रहने वाले हैं। वो जो गांव है ना, वही हमारा घर है। वकील साहब, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया जी, हमें छुड़ाइए ना। तुम्हारे वालिद जी, वो तो मर गए। कब? वो 20-25 साल पहले। वकील साहब, मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मगर आप लोग हैं कि मुझे हमेशा पागल ही समझते रहे। वो जी, जब फसाद हुआ था ना, तो लोगों ने उनको कत्ल कर दिया था, मगर वकील साहब, वैसे हम दोनों बेकसूर हैं, हमको जाने दीजिए ना। तुम्हारी माँ जिंदा है? हाँ जी, वो गांव में रहती है। क्यों अजगर? क्या नाम है उसका? जी, वो सलमा बेगम। सलमा, 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 सरताज। सलमा, सलमा, तुम जिंदा हो? सरताज, सरताज, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मां की तोहिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए सारी दुनिया का गला खोल सकता हूं। ये झूठ बोलता है हजूर, खून इसने नहीं, मैंने किया है। मैं जमीन को अपनी माँ की तरह चाहता हूँ हजूर। करामत ने हमारी जमीन पर कब्जा करके जब ममता को बेचैन कर दिया, तो मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया हजूर। ये गलत है जनाबे वाला, कत्ल मैंने किया है, कातिल मैं। मेरे दोनों बड़े भाई सारे इल्जाम अपने सर लेकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलाद, अब तक ये तीनों हम शकल भाई अपनी मुशाबहत से शदीद फायदा उठाते हुए गवाहों को काफी परेशान कर चुके हैं, और अब ये तीनों एक जैसे बयान देकर कानून को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, लायक वकील इस तगाथे को किसी की नियत पर शुबा करने का कोई हक नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल, कंटिन्यू। मैं अपने दलायल को मजीद तकवियत पहुंचाने के लिए मुसम्मात सलमा बेगम को एक बार फिर जहमत देना चाहता हूं। मुसम्मात सलमा बेगम, आपने अपने तीनों बेटों के बयानात सुने, तीनों ही अकबाले जुर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कत्ल इनमें से किसी एक ने किया है, और मुझे यकीन है आप भी जानती हैं कत्ल किसने किया। बोलिए, खामोश क्यों हैं? बताइए। कह दीजिए माँ, कत्ल मैंने किया है। माँ, कह दे कि खून मैंने किया है। खामोश क्यों है माँ? कहती क्यों नहीं कि कातिल मैं? मैं क्या बताऊं? मैं कैसे बताऊं? तीनों ही मेरे बच्चे हैं, मैं किसी एक का नाम कैसे लूं? हाँ हाँ, बता दीजिए, कत्ल किसने किया? मुझसे कुछ मत पूछिए हुजूर, एक माँ से कुछ मत पूछिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं बता सकती। आपकी ये खामोशी अब ज्यादा देर तक हकीकत की पर्दापोशी नहीं कर सकती। कहती क्यों नहीं कत्ल असगर ने किया? नहीं नहीं। तो बताइए कातिल कौन है? अनवर? नहीं नहीं। तो फिर अकबर के अलावा खून किसने किया? यकीनन कातिल अकबर ही है। सलमा बेगम के आंसुओं ने ये बात साबित कर दी है कि मकतूल करामत का खून अकबर ने किया। अकबर कातिल है, खूनी है, मुजरिम है। मिलाद, मैं कातिल अकबर हुसैन के लिए ताज़ीरात-ए-पाकिस्तान की दफा 302 के तहत
मौत की सजा तजवीज करता हूं योर ऑनर। मुकदमे की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, मुल्जिम इकबाल जुर्म कर चुका है, वकील इस्तगासा अपनी तजवीज पेश कर चुके हैं, कानून फैसला सुनाने का मुंतजर है। मैं जानता हूं मिलॉर्ड अब सफाई पेश करने का वक्त नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर कानून अपने तमाम फैसले इंसाफ की आंखों से देखकर करता है। इसी एतमाद का सहारा लेकर मैं आपसे कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत है मिलॉर्ड? मेरे मुवक्किल अकबर हुसैन ने करामत का खून किया है, वो कातिल है, मुजरिम है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मिलॉर्ड मैं यहां मौजूद तमाम लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि अकबर ने करामत का खून क्यों किया? क्या कत्ल करना उसकी फितरत में शामिल है, या वो एक पेशावर मुजरिम है? नहीं नहीं मिलॉर्ड, अकबर को ऐसा करने पर मजबूर किया गया। सिर्फ अकबर ही नहीं बल्कि हजारों अफराद को रोजाना ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है, और नहायत सफाई के साथ कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। मिलॉर्ड करामत किसी फर्द का नहीं बल्कि एक तबके का नाम है जो हर दौर में गरीबों का खून चूसकर उन्हें माशी तौर पर मफलूज कर देता है, उनके मुंह के निवाले छीन लेता है, उनके सर छुपाने की जगह पर कब्जा कर लेता है, और हंसते खेलते इंसानों को जिंदा लाशों में तब्दील कर देता है। मिलॉर्ड वकील इस्तगासा ने अकबर हुसैन के लिए मौत की सजा तजवीज की है, अगर अकबर हुसैन सजा का मुस्तैक है तो उन लोगों के लिए कानून के पास कौन सी सजा है जो किसानों की मेहनत पर बेदर्दी से कब्जा करके उन्हें मुफलिसी के कुएं में धकेल देते हैं? अगर इस लड़के को मौत की सजा मिल सकती है तो मजहब के नाम पर खून की होली खेलने वालों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर इसे सजा मिल रही है तो इलाकाई असबियत के नाम पर लाखों इंसानों का खून करने वालों के लिए हमारे पास कौन सी सजा है मिलॉर्ड? जब तक हम उन तमाम लोगों को अरशे मोहल्ला से सतह जमीन पर नहीं ले आते, जब तक हम उन्हें भी मुजरिमों के कटहरे में नहीं खड़ा कर लेते, हमारा माशरा बुराइयों से पाक नहीं हो सकता, जुल्म का ये दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। अकबर ने इसी जुल्म को खत्म करने के लिए एक नन्हा सा कदम उठाया था, हम इसे मुजरिम नहीं कह सकते, हम इसे कातिल नहीं कह सकते योर ऑनर। अकबर गरीबों का हमदर्द है, इंसानियत का हमदर्द है, सच्चाई का हमदर्द है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, दैट्स ऑल, आई हैव नथिंग मोर टू से। गवाहों के बयानात और वकीलों के दलाल के पेश नजर अदालत मुल्ज़िम अकबर हुसैन को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप रो रही हैं माँ, आपकी आंखों से बहते हुए आंसू मुझे तन्हाई के लम्हों में चैन न लेने देंगे। माँ बेटे, बेटे तेरी याद में मैंने क्या क्या तकलीफें ना उठाई, कैसे कैसे दुख बर्दाश्त किए। बरसों के इंतजार के बाद जब आंखों को रोशन आंसू पोंछता लिए मां, ये दूरी सिर्फ लम्हों की दूरी है, आपकी मोहब्बत की कसम ये 7 साल का अर्सा पलक झपकते गुजर जाएगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तेरी वापसी का इंतजार करूंगी, तुझे अपने सीने से लगाने के लिए मुझे फिर इंतजार करना होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटे, बेटे। मेहनत सच्ची है तो प्यारे, हम के ये सारे अभियारे।